गांधी तीर्थ निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम आजच भेट द्या गांधी तीर्थ जैन हिल्स जळगाव. अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बुजुर्ग, आज अलहसन इंटरनेशनल स्कूल में विजिट किया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह देखा हूँ कि एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार है. वाकई में जो 3.5 साल के बच्चे से लेके तो जो फर्स्ट तक जाएगा उसके लिए अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, प्ले ग्रुप, नर्सरी, जूनियर नर्सरी, सीनियर नर्सरी. वाकई में और अंदर आते साथ जो बच्चे बाहर रोते हैं वो अंदर आते साथ क्यों मुस्कुराते हैं उसका राज आज खुला, क्योंकि यह मेरा खुद का पोता यहाँ पे मैंने एडमिशन लिया हूँ और प्ले में नर्सरी में है वो. लेकिन वो रोता था और अंदर आते साथ तो आज मैंने वो उसका सस्पेंस देखा हूँ कि वाकई में अंदर का एटमॉस्फेयर और अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खूबसूरत बनाया है कि वाकई में यहाँ बच्चों का दिल लगेगा और बच्चे खेलेंगे और खेलने के साथ साथ वो अपना एजुकेशन पूरा करेंगे. दूसरी बात ये अच्छी लगी यहाँ पर कि डॉक्टर अल्तमस शाह और उनकी फैमिली ने, यानी हमारे हसन चचा ने, खालू ने बहुत अच्छा इसको ये दिया कि हुआ करके जो हमारे इंस्टीट्यूट है उनके साथ इन्होंने एफिलिएशन करा है, जो एक बच्चे को दुनियात की तरफ से सिखाते हुए एक इंसान बनाती है. क्योंकि एजुकेशन में पढ़ाई के साथ साथ इंसान बनना बहुत ज़रूरी है और वो भी अगर ग्रास रूट यानी छोटे बचपन से लेके बड़ा बच्चा जब तक होता है तो ये बचपन की जो याददाश्त रहती है, जो कुछ हाफिज़ा रहता है वो हमेशा के लिए रहता है. इसके लिए इन्होंने जो बच्चों के लिए एक अच्छा शुरू किया है मैं उसके लिए भी उनकी तारीफ़ करता हूँ और उनको दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला उनको नेक मकसद में कामयाब करे. जलगांव में हमारे समाज की इस तरह की इंटरनेशनल स्कूल होना बहुत ज़रूरी थी. क्या कई सालों पहले मैंने अनुभूति इंटरनेशनल स्कूल का जब एफिलिएशन लाने को गया था दिल्ली, तब से मुझे एहसास था कि वाकई में कोई हमारा बंदा आए, क्योंकि हम तो नौकरी करने वाले सर्वेंट थे. लेकिन वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अल्तमस को अल्लाह ने हिदायत दी, क्योंकि हिदायत का देने वाला वही है और उन्होंने ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी स्कूल शुरू की. अल्लाह से दुआ है कि ये जो 3 साल के बाद वो उनका जो नेक्स्ट ये है कि फर्स्ट टू फोर्थ लेके बाद वो जो CBSE पैटर्न में स्कूल शुरू करेंगे उसके लिए भी उनके लिए दुआएं करें, हम भी दुआएं करें, आप भी दुआएं करें. और जैसा हमने शुरू किए कि हमारे बच्चे को यह एडमिशन लिया, पोते को एडमिशन ली, वैसे आप भी आओ अपने बच्चों को यह एडमिशन लो. देखो अगर बच्चे के लिए हमको खर्च कुछ कम ज़्यादा खर्च करना पड़े तो उसमें कोताही ना करो, क्योंकि ऐसे दूसरे अफरा इस पर हम बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं. क्योंकि ये स्कूल चलाना कुछ हाथी बात नहीं है, ये पूरी के पूरी इसको किसी तरह की ग्रांट नहीं रहती, किसी तरह का कोई सरकारी ये नहीं रहता, सिर्फ एक NOC लेना पड़ती है. उन्होंने NOC लिए और ख़ुद के खर्चे से ये चला रहे, तो हमारा भी इसमें यह है कि हमारा भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन लगे, समाज का भी लगे, पेरेंट्स का भी लगे और सभी का लगे. इसका मतलब यह है नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के ऊपर बोझ डाले, नहीं, ये बहुत इसमें नो लॉस नो प्रॉफिट के बेस पे डॉक्टर अल्तमस ने शुरू किया है. मैं फिर अपील करूँगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अपने बच्चों को ये करें ताकि हमारे जो नौजवान आगे आ रहे उनका भी मुस्तकबिल बने और हमारे नौजवान जो आज एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे उनका भी फ्यूचर अच्छी तरह से रहे. शुक्रिया. फारूक शेख, जलगांव.